पाकिस्तान के पंजाब में क्रिसमस के मौके पर जहरीली शराब पीने से जहां 30 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 60 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। जहरीली शराब पीने वाले लोगों में ज्यादातर ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। यह मामला पंजाब प्रांत के तोबा टेक सिंह शहर के ईसाई बहुल इलाके का है, जहां स्थानीय लोगों ने क्रिसमस के मौके पर खुद की बनाई हुई शराब पी थी, जिसके बाद 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने एक बाप बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पर ही शराब बनाने और बेचने की मंजूरी है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि अल्पसंख्यकों और विदेशियों को ही पाकिस्तान में शराब का सेवन करने की इजाज़त दी गई है। जहरीली शराब पीने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली के त्यौहार पर शराब पीने से 45 लोगों की मौत हो गई थी। देखते रहिए डीबी लाइव।